नमस्कार, बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज के इस समय में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके हाथ में मोबाइल ना हो, और जब मोबाइल हाथ में हो तो इंटरनेट का इस्तेमाल अनिवार्य सा हो गया है। दिन प्रतिदिन मोबाइल को सोशल मीडिया के जरिए इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है, जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह सोशल मीडिया के सकारात्मक पहलू के साथ साथ इससे जुड़े बहुत से दुष्परिणाम और अपराध भी हैं। साइबर क्राइम के बारे में हम काफ़ी कुछ सुनते हैं और पढ़ते भी हैं, और शायद हम में से कुछ लोग कभी ना कभी इसके शिकार भी हुए होंगे। साइबर क्राइम क्या है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है, इन सभी के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं DIG साइबर क्राइम शरद कविराज। शरद जी, आपका स्वागत है हमारे धन्यवाद। साइबर क्राइम से जिस तरह से हम बात तो बहुत सुनते हैं इसके बारे में, लेकिन ये वाकई में क्या है और कितना खतरनाक हो सकता है, ये इसके बारे में आप हमें बताइए कि क्या है ये साइबर क्राइम। जैसा आप सभी को विदित है कि हमारी एक फिजिकल दुनिया है जिसमें हम रहते हैं जी, और 21वीं शताब्दी में इंसानों ने एक और दुनिया गढ़ ली है जी, जो एक साइबर दुनिया के नाम से कहलाती है जी। ये साइबर दुनिया आज नहीं बनी है, पिछले 40-50 साल से एग्जिस्टेंस में आई थी जी। लेकिन अब इसकी प्रेवलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, आम आदमी तक पहुंच गया है जी। हमारे रोज़मर्रा के कार्य साइबर वर्ल्ड से अफेक्ट होने लग गए हैं जी। तो जैसे हमारे रोज फिजिकल वर्ल्ड के अंदर अपराध होते हैं जी, हम इंसान हैं, हम उस साइबर वर्ल्ड में भी अपराध करते हैं जी। तो उस तरह के अपराध जो स्पेसिफिकली साइबर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं जी, जिसमें जैसे आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, ईमेल स्पूफ कर दिया, वेबसाइट आपने स्पूफ कर दी, आइडेंटिटी स्पूफ कर दी, कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू होते हैं, उसी से ही आप अटैक करते हैं, उसी से ही आप पीड़ित भी होते हैं। तो मोबाइल कंप्यूटर्स का दायरा बहुत बड़ा हो गया, सर्वर्स हो गए, इसमें सॉफ्टवेयर बन गए, तो जो साइबर वर्ल्ड है उसके अंदर जो अपराध हो रहे हैं उनको हम साइबर क्राइम कहते हैं। इंडिया के अगर उसमें बात करें तो कितना वल्नरेबल है इंडिया इसके अंदर साइबर क्राइम के लिए? अगर हम पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें जी, तो हमारे यहाँ अभी भी डिजिटलाइजेशन जो है जी, वो अभी हो रहा है जी, हम बाकी दुनिया के मुकाबले में कैचअप कर रहे हैं जी, तो वल्नरेबिलिटी साइबर क्राइम की उतनी है जितना हम साइबर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं जी, तो विदेशी हमसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं लेकिन चूंकि हम भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं इसलिए साइबर क्राइम से ज़्यादा लोग अब अफेक्ट हो रहे हैं जी, जी। तो इंडिया कंपेरेटिवली लेस वल्नरेबल है जी, लेकिन बहुत तेज़ी से हमारी वल्नरेबिलिटी भी बढ़ रही है। ये बताएं कि साइबर क्राइम ये कितनी तरह का होता है और किस किस तरीके से इसको अंजाम दिया जाता है? आपकी मैं पहले वाली बात को एक बढ़ाना चाहूँगा इस जवाब देने से पहले जी, जैसे अभी एक बाल्टीमोर करके US में छोटा सा शहर है जी, जो हम अभी स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं जी, जी, तो वहाँ पे वो पूरे सिटी का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है जी, इस वक्त वो रैंसमवेयर के अटैक में आ गया है। अच्छा। तो बहुत सारे रजिस्ट्रीज, बहुत सारा जो शहर का काम होता है जी, वो रुक गया है, तो एक तरह से पूरा शहर ही रैंसम पर है। Okay. तो इस तरह की वल्नरेबिलिटीज आने वाले समय में हमें भी एड्रेस करनी पड़ेंगी जी। तो मैं यही कहूँगा हम उस रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ हमें बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। जो साइबर क्राइम के जो टाइप्स हैं जो मैंने आपसे पहले कहा कि हमारे पास में कम्युनिकेशन से लेके आइडेंटिटी थेफ्ट से लेके कोड के चोरी को लेकर, पैसों को इधर से उधर ले जाने को लेकर, इस तरह के एक बहुत रेंज है साइबर क्राइम्स की जिसमें सेबोटाज भी शामिल होता है। बहुत बड़े स्तर पर जो है कई नेशंस साइबर अटैक करते हैं जी, एक आर्मी साइबर क्राइम की तैयार हो रही है जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर सकती हैं, और छोटे स्तर पर एक कॉल सेंटर पे एक फ़ोन करके एक आम आदमी को ठगने तक जी, तो साइबर क्राइम की बहुत बड़ी रेंज है जी, और जी। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनका सोफिस्टिकेशन लेवल भी बहुत वेरी करता है, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड से बहुत सिंपल लोग जो यूट्यूब पे कोई चीज़ सीख के और अपराध कर लेते हैं जी। बिल्कुल, काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी जो हैं, जाहिर सी बात है काफ़ी उनका इंटेलिजेंस लेवल हाई है तभी वो उस लेवल पे जाकर उतना बड़ा क्राइम करते हैं। वो मैं यही आपसे कह रहा हूँ इसमें पूरी रेंज है
जो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इंजीनियर्स से लेकर जो बेरली 10th पास हैं और उन्होंने सिर्फ यूट्यूब पे कोई तरीका ढूंढा और साइबर क्राइम कर लिया, पूरी एक रेंज है। इसका हाल ही में हमने एग्जांपल भी देखा, अभी 12वीं कक्षा का जो स्टूडेंट था राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जिस तरह से महिला प्रोफेसर को उसने परेशान किया था, तो ये काफ़ी हैरान कर देने वाली बात थी और चिंता की भी बात थी कि एक 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे ने किस तरह से कहेंगे कोहराम मचा रखा था पूरे स्कूल। बिल्कुल जी। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ज़्यादातर जो हैकर्स होते हैं वो बहुत यंग होते हैं और 15 से 17 साल की एज ग्रुप के भी बहुत सारे टीनेजर्स इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जी, वही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कौन सा आयु वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा इसका शिकार होता है? शिकार होने के अंदर अगर हम आयु को देखें जी, तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम है जी, उसमें अलग अलग लोग इन्वॉल्व हैं जी। बहुत ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि साइबर स्टॉकिंग जो हम कहते हैं जी, वो फिजिकल वर्ल्ड से अब साइबर में चला गया है, जो स्टॉकिंग हम महिलाओं के लिए कहते हैं जी, जी, तो रिलेटिवली कम एज की जो टीनेजर्स हैं जी, वो उससे अफेक्ट हो रहे हैं जी। और अगर हम थोड़े से एडल्ट वर्ल्ड में चले जाते हैं तो जो जिनके पास अकाउंट्स हैं, पैसे हैं, वो अफेक्ट हो रहे हैं। एज जिनकी ज़्यादा हो गई है और नए नए डिजिटल ट्रांजैक्शंस करना सीखे हैं तो रिटायर्ड लोग हैं उनके साथ में एक पर्टिकुलर तरह के अपराध हो रहे हैं, उनके साथ अलग तरह के हो रहे हैं। जो कंपनीज हैं उनके साथ में कुछ अलग तरीके से लोग काम करते हैं, जो वहाँ एम्प्लॉयज़ हैं छोड़ के चले जाते हैं तो पीछे बहुत सारे बदमाशी के रास्ते छोड़ जाते हैं जी, तो जी, अलग अलग आयु वर्गों का पे इस वक्त असर हो रहा है अलग अलग टाइप के अपराध के साथ जी, लेकिन जो ज़्यादा वल्नरेबल जिनको मैं कहूँगा वो हैं जो डिजिटल वर्ल्ड में अभी एंटरी करें और बिल्कुल नाइव हैं, या हमारे टीनेजर्स हैं जिनको अभी तक साइबर बुलिंग या साइबर स्टॉकिंग या साइबर थ्रेट्स को कैसे हैंडल करते हैं ये बिल्कुल नहीं आता है जी, जी, और इसके अगर आप एग्जांपल्स देखेंगे तो वर्ल्ड ओवर जो कई तरह के गेम्स आए उसमें कई तरह के चैलेंजेस आए जो कि इवन सुसाइड तक पहुंच गए, तो वो सब हमारे वल्नरेबल सेक्शन हैं। बच्चे जो हैं और महिलाएं भी बहुत जल्द इसका मैंने देखा है शिकार हो जाती हैं, झांसे में आ जाती हैं जिसे कहना चाहिए, जैसे ऑनलाइन ये डेटिंग ऐप्स वगैरह हैं इसके अंदर और कई चीज़ें, एंड में अगर इसकी और गंभीरता से हो जाए तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक भी चली जाती है। ये बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसी के लिए था कि महिलाओं को और बच्चे जो हैं मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा इसके चपेट महिलाएं और बच्चे बहुत वैसे भी वल्नरेबल सेक्शन हैं और साइबर क्राइम में भी वो वल्नरेबिलिटी आगे जाती है जी। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो सबसे आम जो अपराध होता है वो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंकिंग से जुड़े हुए जो अपराध हैं। वो आए दिन हम सुनते हैं कि मेरे बैंक से मैंने तो ये बटन दबाया था और मेरे पैसे निकल गए, या मुझसे ओटीपी मांगा मैंने दे दिया, इस तरह की बातें रोज से अखबार भरा रहता है जो हम सुनते हैं। ये बहुत ही आम होने वाला अपराध है जी, और इस पर मैं कुछ समय लेके सभी को ज़्यादा जानकारी देना चाहूँगा जी। ये तो अब सभी लोगों को पता है और कई बार RBI से एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से बैंक्स सभी लोग कह रहे हैं कि हमें OTP को नहीं बताना है। OTP का मतलब ही वन टाइम पासवर्ड है जी। वो वन टाइम पासवर्ड मोबाइल पर जनरेट ही इसलिए किया जा रहा है जी, कि ऑथेंटिकेट हो सके कि आप द्वारा ही वह सूचना दी गई है जी। किसी और जगह या किसी और माध्यम से उसको एंटर नहीं किया जाता है, हमेशा एक कंप्यूटर के सिस्टम में ही एंटर किया जाता है। तो कोई कारण नहीं हो सकता कि कोई और व्यक्ति आपसे OTP मांगे, उसको वो कोई सिस्टम का पार्ट ही नहीं जी, जी। तो OTP का मतलब ही यही है कि वो पर्सनलाइज्ड एक वन टाइम पासवर्ड है जो कि किसी ना किसी कंप्यूटर के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए उसकी आवश्यकता है जी, जी। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर एक सिक्योरिटी लेयर के रूप में OTP को डाला जाता है कि आपने एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया, ये ट्रांजैक्शन आपने ही इनिशिएट किया है जी। इसके लिए एक स्तर पर पासवर्ड होता है जी। लेकिन अगर पासवर्ड आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो ये एक एडिड सिक्योरिटी लेयर के रूप में होता है। उसके बावजूद हमारे जो लोग हैं वो विश्वास में आके, और उस विश्वास का भी कोई ना कोई कारण होता है, जो सामने वाला बात कर रहा होता है उसका बात करने का लहजा जी, जो बैकग्राउंड नॉइसेस फ़ोन के ऊपर आ रही होती हैं वो ऐसा कॉल सेंटर की फीलिंग देती हैं जी। इसके अलावा वो आपको कोई ना कोई आपके बारे में ऐसी चीज़ बताते हैं जिनसे आपको लगता है कि वो एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं जी, जी।
तो इन सब कारणों की वजह से, और कई बार हमारे पास में इस तरह के लोग आते हैं जो इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मुझे पता है कि मुझे ओटीपी नहीं बताना है, जी, और उसके बावजूद वो अपने वो उसको बातों में झांसों में ले लेके कि नहीं साहब आप विश्वास कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। पढ़े लिखे लोग, बहुत समझदार लोगों को भी अभी तक लोग अपने झांसे में ले लेते हैं। जी, जी, जी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हो रही है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सिचुएशन है वो जो सोफिस्टिकेटेड अटैक होता है, जिसमें कि हमें पता होता है कि सामने वाला आसानी से ओटीपी नहीं बताएगा, जी, जी। उस पे कैसे हमला करना है, जी। तो वो भी लोग वहाँ तक सोच रहे हैं। जी। और जो मोबाइल फोन्स होते हैं उनको वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जी। जो हमारी ऐप स्टोर्स हैं जिन पे बहुत तरह की ऐप्स फ्री में उपलब्ध होती हैं, मनी ट्रांजेक्शन के लिए भी काफ़ी तरह की ऐप्स बन रही हैं, वो तो हैं ही, पर जी, उनसे अलावा जो बाकी जो ऐप्स हैं, गेम्स से संबंधित ऐप्स हैं, और तरह की पोर्नोग्राफी की रिलेटेड ऐप्स हैं, कोई और उनको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई और एक्चुअली वो ऐप वो काम नहीं करके, और उसके अंदर कहीं ना कहीं SMS रीड करने की वो परमिशन मांग लेते हैं। SMS फोर्जिंग जिसको बोला जाता है, SMS को रीड करने की परमिशन अगर ऐप ने ले ली है, जी, तो अगर OTP आपने नहीं भी बताया तो वो तो ऐप को पता लग जाता है। और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड अटैक्स हम जयपुर में भी देख चुके हैं, जिसके अंदर कि एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन के अंदर SMS रीड करके जा रहा था, और जिस सामने वाले फ़ोन के जा रहा था वो भी फ़ोन कॉम्प्रोमाइज था, तो एक चेन बना रखी थी उसकी, तो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड अटैक्स भी हो जाते हैं। यानी ये नहीं है कि अगर आपने OTP नहीं बताया तो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सेफ़ हैं, आपको अपने फ़ोन को भी सेफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह आपका जो डेस्कटॉप है या जो लैपटॉप है, उसके ऊपर भी फिशिंग अटैक्स हो जाते हैं, यानी आपको जैसे लगेगा कि RBI से कोई मेल आई है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई आपको मेल करी है, जबकि अगर उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो वो फिशिंग अटैक होता है। बैंकिंग के ऊपर एक लिंक आया तो आपने बैंक के ऊपर यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, आगे काम नहीं कर रहा, तो आपको लगा कुछ प्रॉब्लम होगी, बट वो आपके पासवर्ड्स को ले लेते हैं। तो हमको एक तो URL पढ़ना बहुत समझ आना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं RBIIndia.com, तो ये RBI की वेबसाइट नहीं हो सकती। या मैं और इसको कॉम्प्लेक्स करूं तो जैसे kheldekho.com/RBI, उस तरह के कुछ लोगों को वो इस तरह से ऑफर्स ऑफ RBI इस तरह के बनाते हैं जो उसको लुक्रेटिव बना देते हैं। उसी तरह कंपनीज जो हैं उनका एक नाम चेंज, एक अक्षर चेंज कर देंगे, मिलता जुलता नाम बना देंगे। तो इन सब माध्यमों से हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, आपकी बहुत गाढ़ी कमाई का पैसा है, और लोगों का एक रात के अंदर पूरी जिंदगी भर की सेविंग्स जो हैं वो गई हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है। वही था मैं सवाल इसके साथ से जुड़ा हुआ, यह है कि सरकारी और जो निजी संस्थानों की वेबसाइट हैं वो भी हम सुनते हैं कि उनकी वेबसाइट को हैक कर लिया गया, तो ये किस तरह के हैकर्स होते हैं, और उसी से मिलती जुलती जैसे आपने बताया कि दूसरी बना लेते हैं कुछ शब्दों के हेर फेर से करके, तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे कोई भी संस्था है, ऑफिसेज हैं, उनको किस तरह सिक्योर कर सकते हैं वो अपनी वेबसाइट्स को? आपके सवाल में दो अलग अलग बातें निहित हैं। एक तो वेबसाइट्स की हैकिंग जो है, वेबसाइट्स की हैकिंग बेसिकली सर्वर साइट पे होती है, जिस वेबसाइट को जिस सर्वर पे हैक होस्ट किया हुआ होता है उसमें कुछ वल्नरेबिलिटी होती है, उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके और वेबसाइट हैक हो जाती है। तो जो उसका स्टैंडर्ड तरीका होता है वो ये होता है कि आपको जो सेफ टू होस्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपके कोड का एक स्टैंडर्ड होता है, आपका जो डेटा सेंटर जिस पे होस्ट कर रखा है उसके अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो प्लस जो बहुत सारे सर्वर्स के ऊपर जो नोन सिक्योरिटी पैचेस डालने की आवश्यकता होती है वो डालने की ज़रूरत होती है। तो असेंशियली आम आदमी से डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होता, लेकिन लॉस ऑफ प्रेस्टीज हो सकता है कंपनी के लिए, और सरकारी वेबसाइट अगर हैक हो जाती है तो अगेन पूरे नेशन के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है, और डेटा थेफ्ट बहुत बड़ा इशू है। बहुत बड़ी कंपनियों का जब हम देखते हैं कि हैकिंग हो गई तो बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन वो सारी की सारी जा सकती है। जी, तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह की वेबसाइट्स को अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की सूचनाएं सेव करने दे रहे हैं। जी, तो एक तो वहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी, दूसरा जो आपका पक्ष है कि इसका हम ध्यान कैसे रखें कि कोई फेक वेबसाइट है या नहीं है, तो उसको हम फिशिंग कहते हैं। ओके। और फिशिंग वेबसाइट्स को चेक करने के लिए जो मेजर सर्च इंजन हैं, गूगल है, याहू है, वो ब्राउज़र में ही इनबिल्ट फिशिंग अलर्ट्स देते हैं। तो अगर आप उनको ऑन कर देते हैं तो जो नॉन फिशिंग साइट्स हैं उन पे जाते ही आपके पास में अलर्ट आता है। तो आपको ब्राउज़र को फिशिंग के लिए इनेबल करना चाहिए। जी बिल्कुल, हम ये सब तो जानते हैं कि साइबर क्राइम को पकड़ने से ज़्यादा इसे रोकना ज़रूरी है। तो हम जब भी देखते हैं जो लोग साइबर क्राइम के शिकार होते हैं, ये मेरा सवाल है कि जो लोग साइबर के क्राइम के शिकार होते हैं वे जिस तरह घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो उनके लिए हम क्या कहेंगे कि वे सबसे पहले कहाँ जाएं और किस तरह से अपनी शिकायत दर्ज कराएं? देखिए, साइबर क्राइम का जैसे मैंने आपको बताया एक बहुत रेंज है। जी, और जो अभी जो सबसे डेंजरस टाइप के अटैक्स हैं जो कंपनीज पे होते हैं वो रैंसमवेयर के होते हैं। जी, तो आपकी कंपनी का एक कंप्यूटर है जिस पे आपकी सारी अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन डली हुई है, और वो आपके पास एक पॉपअप आया कि आप इतने बिटकॉइंस दीजिए, इतना पैसा दीजिए, इस अकाउंट में डालिए, नहीं तो आपका ये डेटा आप लूज कर देंगे। तो ये सबसे ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन कंपनीज में क्रिएट हो जाती है। और उसका बेसिक जो सॉल्यूशन है वो यही है कि एक तो आप डेटा को अपने पैरेलली कहीं और सेव करके रखें, और जो आपके वेबसाइट्स जो आप विजिट कर रहे हैं प्रॉपर वेबसाइट्स हों, शेडी वेबसाइट्स नहीं हों, एंटीवायरस उसमें डला हुआ हो, एंटीवायरस अपडेटेड हो, तो बेसिक जो आपके प्रिकॉशंस हैं तो वो ले आप नहीं लें। ले, इसके अलावा जैसे आम आदमी के साथ में कोई पैसा निकल गया या कुछ इस तरह की ठगी हो गई, तो ऐसे में RBI ने क्लियर गाइडलाइंस अब जारी करी हैं। उसमें अनफॉर्चुनेटली RBI अब ये मानता है कि सफिशिएंट पब्लिसिटी दी जा चुकी है, सफिशिएंटली लोगों को समझाया जा चुका है कि आप OTP नहीं बताएंगे। अच्छा, तो अगर प्योरली आपकी गलती है और बैंकिंग व्यवस्था की कोई गलती नहीं है, तो ऐसे में बैंकिंग लायबिलिटी नहीं क्रिएट होती है। क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ कोर्स क्रिएट होती है। तो ऐसे में जो पैसे को रिकवर करने का प्रोसेस है वो वैसा ही है जैसे एक आम चोरी में, आम ठगी में रिकवर करने का प्रोसेस है। बैंक्स की उसमें लायबिलिटी नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी कोई गलती नहीं है और बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग ऐप जो है उसकी कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी थी, तो आप 3 दिन में अगर रिपोर्ट कर देते हैं तो आपको पैसा रिफंड होता है। ओके, फिर वो रिस्पॉन्सिबल है उसके। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। जी, जी, जी। और जैसे हम देखेंगे कि पुलिस के अंदर अगर आपने देखा होगा अगर कोई एक वाहन चोरी हो गया और हम ये सोचे कि भाई एक वाहन के लिए थोड़ी ना पुलिस काम करेगी, ऐसे नहीं होता। टिपिकली एक गैंग पीछे काम कर रही होती है और जब वो गैंग खुलती है तो बहुत सारे केसेस खुलते हैं। तो उसी तरह साइबर क्राइम के को रिपोर्ट आवश्यक रूप से करना चाहिए। और जब भी गैंग्स खुलते हैं तो सैकड़ों घटनाएं खुलती हैं। तो ऐसे में आम आदमी को ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि पुलिस एक उस पर्टिकुलर घटना के लिए एफर्ट करेगी या नहीं करेगी, या मुझे इससे मेरा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या पुलिस जाके मुझे क्या फ़ायदा। ये सब चीज़ों को दिमाग से हटा के अगर आपके साथ में अपराध हुआ है तो निश्चित रूप से पुलिस में जाना चाहिए। और हमारे पास में ऑनलाइन भी रजिस्टर करने के ऑप्शंस हैं, खास तौर से जो बहुत सीरियस महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसको लेके MHA ने एक वेबसाइट बनाई है जो cybercrime.mha.nic.in करके है। और उस पे आप जाकर सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेके आप रजिस्टर करवा सकते हैं, जिसमें कि आप अपना पहचान भी अगर छुपाना चाहें तो छुपा सकते हैं। और फिर पुलिस उसमें एक कम समय में बहुत रिस्पॉन्स करने के लिए कमिटेड रहती है। तो ऐसा नहीं है कि हमको साइबर क्राइम रिपोर्ट करना है तो हमें थाने ही जाना पड़ेगा। हम ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं और थाने पर भी अगर आप जाते हैं तो पुलिस इस तरह के मुकदमे दर्ज करने के लिए पूरी तरह से कानूनी रूप से और
जो हमारे निर्देश पुलिस मुख्यालय से गए हैं जी जी उसके तहत उनको दर्ज करना आवश्यक है। जरूरी है जी, बिल्कुल। साइबर सेल जो बोलते हैं वो क्या कोई अलग तरह का थाना है या उसी थाने के अंदर एक अलग, लाइक समझना समझाना चाहूँगी मैं कि लोगों को कि साइबर सेल से क्या मतलब है। राजस्थान में हमारे जो साइबर क्राइम का जो पुलिस रिस्पांस है जी उसमें स्टेट लेवल पर एक पुलिस स्टेशन है ओके जो स्टेट लेवल के साइबर क्राइम्स को देखता है। जी उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिटेशन ये है कि अगर ठगी 5 लाख से ज़्यादा की हुई हो अच्छा या वेबसाइट्स जो सरकारी हैं वो हैक हो गई हों, जी उस तरह के जो थोड़े से सीरियस नेचर के क्राइम्स हैं जी वो वहाँ रजिस्टर होते हैं। जी जयपुर कमिश्नरेट के अंदर भी एक नया साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन खुला है जी जो कि एक्सक्लूसिवली इसी काम के लिए है। जी इसके अलावा ये ऐसा नहीं है कि 5 लाख से ज़्यादा की अगर ठगी हुई है जी तो स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में ही मुकदमा दर्ज होगा। ओके लोकल पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन हमेशा मेंटेन्ड है। अच्छा तो पैरेलल जुरिस्डिक्शंस हैं ये जी। तो आप थाने में अगर आप जाते हैं तो आपकी शिकायत दर्ज करना उनका कर्तव्य बनता है। जी जी बिल्कुल। इसी संदर्भ में मैं बात करना चाहूँगी, जैसे महिलाएं हैं, जैसे यहाँ पे तो आपने बताया था, इससे पहले हमने बात करी थी कि वेबसाइट्स जिस तरह से हैक हो जाती हैं तो उसके लिए जो हमें बेसिक चीज़ें अपनानी चाहिए लाइक एंटीवायरस डालना और उसको सिक्योर करना, तो जो महिलाएं होती हैं उनके लिए वही वाली बात है कि पकड़ने से ज़्यादा रोकना ज़्यादा ज़रूरी है, तो कौन सी ऐसी सावधानियाँ हैं जो महिलाएँ और बच्चे जो कि मोस्ट इसका वल्नरेबल सेक्शन है वो अपनाएँ ताकि वो बच जाएं बजाय कि शिकार होने के पहले ही इस तरह से कोई खास सावधानियां। देखिए ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा जी और इस बारे में जनरल अवेयरनेस काफ़ी कम है जी। अगर आप जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कंपनीज हैं जैसे गूगल है एप्पल है इनके ऑपरेटिंग सिस्टम हम ज़्यादा यूज़ करते हैं जी, इन्होंने पेरेंटल कंट्रोल्स जी बिल्ट इन कर रखे हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो अगर आपने किसी बच्चे को फ़ोन दिया है जी तो आप पेरेंटल कंट्रोल उस फोन के ऊपर लगा सकते हैं। ओके उससे आप बहुत सारी चीज़ें उस बच्चे की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर सकते हैं, नज़र रख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं जी। जिसके अंदर कि वो बच्चा कहाँ है लोकेशन आपको पता चल सकती है, वो कौन कौन सी ऐप को डाउनलोड कर सकता है कौन सी को नहीं कर सकता है ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो किस समय से किस समय तक फ़ोन को यूज़ कर सकता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा टोटल टाइम वो फ़ोन के ऊपर कितना खर्च कर सकता है, स्क्रीन टाइम जो है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं जी। तो आवश्यक रूप से जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं हमारे बच्चों के जी। उनको पेरेंटल कंट्रोल के माध्यम से हम उनको संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं। जनरली माँ बाप को पता नहीं होता जी। बच्चे रात के अंदर भी बहुत तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अनजान लोगों से बात कर रहे हैं और साइबर स्टॉकिंग के शिकार हो रहे हैं जी, तो जी, इसको जी। बहुत इजीली अवॉइड किया जा सकता है अगर हम उन डिवाइसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करें, टेक्नोलॉजी से दूर ना करके पेरेंट्स उसको साथ में रहकर ही उनके ऊपर बच्चों को नजर रख सकते हैं उनके बिल्कुल। मतलब आज के युग में ये कहना कि हम बच्चों को फोन नहीं देंगे जी वो भी संभव नहीं है जी, बिल्कुल। और उस फोन को कैसे इस्तेमाल करें जी, ये अगर पेरेंटल कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा भी अगर गूगल करेंगे जी, या ऐप्स के बारे में पता करेंगे जैसे फैमिली कंट्रोल करके गूगल की आती है जी, जी। तो बहुत फर्क पड़ता है। और इसी तरह के पेरेंटल कंट्रोल्स जो हैं वो हमारे कंप्यूटर पर भी लग जाते हैं जी, और ब्राउजर लेवल के साथ में हमारे राउटर लेवल पर पेरेंटल कंट्रोल लग जाते हैं। तो बहुत आसान नहीं होता अगर हम सावधानियां बरतें हैं जी जी, कि बच्चे जो हैं उसको बाईपास कर लें जी, बिल्कुल। और महिलाओं के लिए कुछ खास बातें आप बताना चाहेंगी कि ज़्यादातर महिलाएं अपने फ्री टाइम में जल्दी से मोबाइल लेके बैठ जाती हैं और सारे सोशल मीडिया के जितनी भी साइट्स हैं उस पर अपनी फ़ोटोज़ डालना, अनजान लोगों से दोस्ती करना या अपनी शेयर करना इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से कर लेती हैं। एक खास तबका है जिसका वो उनको मतलब लाइक उनको नहीं समझ में आता कि हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए कोई खास सावधानियाँ बताएँ। देखिए महिलाओं के लिए जैसा मैंने कहा कि साइबर वर्ल्ड जो है वो रियल वर्ल्ड को मिरर करता है जी, लेकिन एक बुनियादी फर्क है साइबर वर्ल्ड में जी, वो ये है कि साइबर वर्ल्ड के पीछे कौन बैठा हुआ है, कौन आपको रिस्पॉन्स कर रहा है जी, ये पता करने का कोई तरीका नहीं है। ओके अनोनिमिटी जो है वो साइबर क्राइम में साइबर वर्ल्ड में बिल्ट इन है जी जी, क्योंकि अल्टीमेटली जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो मशीन्स के बीच में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो महिलाओं को ये समझना बहुत आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति एक फेक प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है जी,
अपने आप को है आदमी महिला दिखा सकता जी, है जी, फेक प्रोफाइल्स बनती हैं, बहुत आसानी से बन सकती हैं, एक मिनट का काम है उसको बनाना। जी जी, और जो साइबर ट्रेस है वो इतना लंबा रहता है जी, कि मान लीजिए आपने कोई एक सेल्फी खींची, एक पर्टिकुलर मूड में खींची और वो मूड में आपने किसी के साथ में शेयर भी कर ली, नहीं भी शेयर करी, आपके फोन के ऊपर उपलब्ध है, जी, जी, आपने उसको अनजाने के अंदर ही जो है वो सिंक कर रखा है फोटोज से, जी, जी, उन फोटोज के फोल्डर को आपने पब्लिक कर रखा है, तो इस तरह की चीजों के साथ में लोग बहुत अनजाने तरीके से भी महिलाएं जो है वो एक्सपोज हो जाती हैं। शरद जी, हमारी जो बातचीत रही मुझे लगता है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही है, दर्शकों ने बहुत कुछ जाना समझा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि वो वाकई में इन सब चीज़ों को अपनाएंगे और जिस तरह से हम एक अनजान आदमी को अपने घर में नहीं घुसने देते, अपनी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देते, उसी तरह हम सोशल मीडिया पर भी अपने आप को बचा कर रखेंगे, अनजान लोगों से अपनी किसी चीज़ को शेयर नहीं करेंगे, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को, तो जाहिर है अपने अपने हिस्से का अच्छा काम हम करते जाएंगे तो ये जो सोसाइटी है ये वाकई में अच्छी बनेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका।